सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक क्यों, सौ पूछिए। जवाब पता होगा तो कहूंगा, नहीं पता होगा तो पूछकर जान लूंगा। बात यह है कि जनता की सेवा करते वक्त समाज में एक समाज सेवी बनकर कैसा लग रहा है आपको? एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कहलाने का मुझे शौक नहीं है, लेकिन एक अच्छा सभ्य सज्जन व्यक्ति बनना जरूर पसंद करूंगा। आप अच्छे हैं तभी तो लोग आपको भगवान का दर्जा देते हैं, हर जगह आपकी जय जयकार करते हैं। इतने लोगों का सपोर्ट होते हुए भी आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते? क्यों भाई, मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? मुझसे इस तरह बदला लेना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इतने लोगों का दिल जीतने वाले आप अगर इलेक्शन में खड़े होंगे तो आप जरूर जीतेंगे, इसका मुझे विश्वास है। नहीं भाई नहीं। हेलो अंकल। हेलो भरत, यहाँ इस तरह अचानक? किसी जरूरी काम से मैंगलोर आना पड़ा, इसीलिए सोचा आपसे मिलता चलूं। देखिए, मुंबई से हमारे मेहमान आए हैं, अगर आप बुरा ना माने तो हम बाकी की बातें कल करते हैं। ठीक है सर, ओके ओके, कल मिलते हैं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अब की बार आप इलेक्शन में जरूर खड़े होंगे। भरत, बातें करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसे निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि अनाप शनाप खाने से तबीयत बिगड़ती है। इसीलिए अगर आप भी हमारे साथ रहते तो बहुत खुशी होती। ये सिर्फ मैं ही नहीं चाहता, सब चाहते हैं, खास करके भाभी। मेरे कहने से वो नहीं मानेंगे, तुम जाकर उन्हें समझाओ ऐसा कहा। आप अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, मैं चलता हूं। मतलब तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, ड्यूटी फर्स्ट रेस्ट इज नेक्स्ट, तुम खाना खाकर सो जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं चलता हूँ। भरत, इस घर में मेहमान आते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वो जाते हैं सिर्फ हमारी मर्जी से, इसलिए आज तुम मेरे मेहमान हो। ओके, ठीक है। ये क्या है रामा, खुद तो नींद आती नहीं है और दूसरों को भी जगाते रहते हो। आप मुझे डांटिए या पीटिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, पर अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना सही है क्या? ए स्वामी, तुम जो कहना चाहते हो वो साफ साफ कहो। तुम्हारी पहेलियां बुझाने के लिए मैं यहाँ कोई टाइम पास करने नहीं बैठा हूँ। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम तो अपने शत्रु के आगे हाथ जोड़कर उसे मारने का प्लानिंग कर रहे हैं और आप उसका सत्कार कर रहे हैं। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? वही एसीपी भरत। आओ मेरे साथ। तुम जिस एसीपी भरत की बात कर रहे हो वो ये तो नहीं है ना? अरे वो यही है। क्या करना चाहिए? जहरीले सांप को उसके बिल से बाहर निकालकर उसे दूध पिलाकर नाग पंचमी मनाएंगे। अगर उसने सर नहीं झुकाया तो उसके दांत निकालकर उसे मजबूर करेंगे। ए टमाटर ले लो, गोभी ले लो, दूधी ले लो, पालक ले लो, ग्वार की परी ले लो, भिंडी ले लो, बैंगन ले लो, प्याज ले लो, आलू ले लो। बैंगन कैसा दिया? 10 रुपए किलो। 1 किलो देना। ले लो बहन जी। भिंडी कैसी दी? 5 रुपए किलो। आपको क्या दूं? मुझे आलू देना। अभी देता हूँ। ओह सलीम साहब, बिना देखे मुझे कैसे पहचान लिया? जैसे एक माँ अपने बच्चों की आहट सुनकर उन्हें जिस तरह झट से पहचान लेती है ना, उसी तरह आपकी पकड़ और दूसरे की पकड़ में फर्क पता चल जाता है। बोल बच्चनगिरी अच्छे कर लेता है। अच्छा ये बता, पहले का धंधा छोड़कर तरकारी का धंधा क्यों कर लिया? तब मैं अकेला था, अब 2 हो गए हैं। मैंने शादी कर लिया सर, शादी। साले तूने तो बताया ही नहीं। एक तो अपनी शक्ल देखकर पुलिस वाले बेकार में गले पड़ते हैं, और ऊपर से आप आते हैं तो आपको देखकर सारे बाराती भाग जाते हैं, तो बनाया हुआ सारा खाना कौन खाता सर?
सर, मेरे पास एक खबर है। क्या है? शिवा बॉम्बे में ही है। सच्ची? कल रात को उसे देखा था। कुछ नहीं जानते सर। बोल साले, बोल। सलीम, कुछ नहीं जानते सर। कुछ बताया क्या? नहीं सर। देखो, इज्जत से बता दो वरना जान से मारे जाओगे। हम कुछ नहीं जानते सर, कुछ नहीं जानते। हमारे यकीन कीजिए सर, हमारे यकीन कीजिए। ये साहब बहुत खतरनाक है, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। अगर नहीं बताया तो जो कुछ नहीं जानते उन्हें यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं। नहीं सर। एनकाउंटर डेथ। प्रकाश सर, सर, न, नहीं, नहीं, सर। नहीं सर, नहीं सर, मत मारिए सर। बता दे सर, बता दे, हम सारी बात बता दे सर। मैं बताता हूँ सर। शेखर, बता। हमारा दोस्त अली बार बार मुंबई जाने की बात कर रहा था सर। वहाँ का कोई एड्रेस? मुझे नहीं पता सर, मैं कोई एड्रेस नहीं जानता सर, मैं कुछ नहीं जानता। हेलो सर, मैं शिवा बोल रहा हूँ। बात क्या है? वही एसीपी भरत का नाटक बहुत ज्यादा हो गया सर। पहले हम ही सभी ऑफिसर्स को जब चाहे ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब हम ही दरबदर भटक रहे हैं सर। अगर आप कहे तो उसे अभी टपका देता हूँ। नो नो, वो मेरा रिश्तेदार है, उसके परिवार का वही एक सहारा है। सर, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम सब पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे सर। देखो, मैं जितना रिश्तेदारी का ख्याल रखता हूँ उतना दुश्मनी का भी ख्याल रखता हूँ। उसे जान से मत मारना, उसका एक पैर तोड़ दो, बाद में उसे इस केस से किस तरह हटाना है ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ओके? ठीक है सर। अच्छी तरह याद रहे, सिर्फ उसका एक ही पैर तोड़ना। हाँ, बेचारा अगर वो मर गया तो उसके अर्थी को कंधा देने वाला उसके घर में कोई नहीं है। समझ गए ना? चलते हो भरत? ए, क्या हुआ? अंदर नहीं आओगी क्या? नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी। ओके, कल तुम कहाँ मिलोगे? ऑफिस में। ओके, बाय बाय।